सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। हम सभी फोन उठाते ही हेलो कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फोन उठाते ही हम सभी हेलो क्यों कहते हैं, और हेलो कहने की ये प्रथा किसने शुरू की, इसकी शुरुआत कब हुई, और इसे सबसे पहले किसने बोला, और लोग फोन पर सबसे पहले हेलो शब्द ही क्यों बोलते हैं। हम सब बचपन से ही देखते और सुनते आ रहे हैं कि लोग फोन करने और उठाने पर सबसे पहले हेलो ही बोलते हैं। उन्हीं को देखकर हम सब भी फोन पर करने या फोन उठाने पर सबसे पहले हेलो ही बोलते हैं। ऐसा दरअसल बहुत कम ही लोग होंगे जो फोन करने या उठाने पर सबसे पहले हेलो नहीं बोलते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग फोन करने या उठाने पर सबसे पहले हेलो ही बोलते हैं। कॉल करने या उठाने पर सबसे पहले बोलने के लिए तो बहुत से शब्द हैं, लेकिन अधिकतर लोग हेलो ही क्यों बोलते हैं। आइए आगे जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल हेलो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले हेलो किसने कहा, यानी हेलो का आविष्कार किसने किया, इन सभी चीजों के बारे में। दरअसल आज के आधुनिक युग में आपको हर किसी के पास फोन मिल ही जाएगा, भले ही आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये 19वीं सदी के टेलीफोन का ही आधुनिक रूप है। आज के दौर में चाहे जितने भी अच्छे फोन क्यों ना बनाए जाए, उनके पीछे टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का ही अहम रोल माना जाएगा। दरअसल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कड़ी मेहनत के बाद मार्च 1876 में टेलीफोन का पेटेंट हासिल किया था, और तब से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कार बन गए। ग्राहम बेल ने न केवल टेलीफोन का आविष्कार किया, बल्कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई और भी उपयोगी आविष्कार किए, जैसे ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, बेल और डेसिबल यूनिट, मेटल डिटेक्टर आदि के आविष्कार का श्रेय भी ग्राहम बेल को ही जाता है। तो क्या हेलो बोलने का श्रेय भी ग्राहम बेल को ही जाता है? दोस्तों, इसके पीछे दो कहानियां हैं, एक ग्राहम बेल के गर्लफ्रेंड की और दूसरी बल्ब आविष्कारक थॉमस एडिसन। आइए उन दोनों ही कहानियों से रूबरू होते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हेलो बोलने का श्रेय किसे जाता है। कहा जाता है कि हेलो ये शब्द ग्राहम बेल की ही देन है। ग्राहम बेल अपनी गर्लफ्रेंड से बेहद प्यार करते थे, उनका नाम मार्गरेट हेलो था। वो उसे प्यार से सिर्फ हेलो ही कहकर पुकारा करते थे, जिस कारण आज भी सभी लोग फोन पर सबसे पहले हेलो ही बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि ग्राहम बेल ने अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी की थी, जिसका नाम मैबेल गार्डनर हबार्ड था। इससे ये लगता है कि मार्गरेट हेलो नाम ही ग्राहम बेल की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी के दस्तावेजों से पता चलता है कि ग्राहम बेल ने कभी भी हेलो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले अपने असिस्टेंट को फोन पर बोला था कि कम हियर, आई वांट टू सी यू। कहा जाता है कि हेलो ये शब्द ग्राहम बेल की नहीं बल्कि थॉमस एडिसन की देन। जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ तो लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। शुरुआत में लोग फोन पर आयु देर ऐसे बोलते थे। लोग ऐसा केवल ये पता लगाने के लिए बोलते थे कि उनकी आवाज दूसरी ओर पहुंच रही है या नहीं। साथ ही ग्राहम बेल बात करते हुए अहोय इस शब्द का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसकी शुरुआत में टेलीफोन पर अहोय कहने का भी चलन था। एक बार बल्ब आविष्कारक थॉमस एडिसन ने अहोय को गलत यानी हेलो सुन लिया, और उसके बाद उन्होंने हेलो बोलने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि थॉमस एडिसन को आई यू देयर इतना लंबा वाक्य बोलना पसंद नहीं था। इसके बाद उन्हें हेलो बोलना ही बेहतर लगा। इसके लिए उन्होंने पिट्सबर्ग की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंटिंग टेलीग्राफ कंपनी के अध्यक्ष टीवी स्मिथ को एक पत्र लिखा और कहा कि टेलीफोन पर सबसे पहले हेलो ही बोलना चाहिए। उनका यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया। फिर उसके बाद जब थॉमस एडिसन ने पहली बार फोन किया तो सबसे पहले हेलो का ही इस्तेमाल किया गया। साथ ही उस समय टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाली ऑपरेटर को भी हेलो गर्ल ही कहा जाने लगा। अधिकतर लोग इस बात को ही सच मानते हैं कि हेलो शब्द अहोय को गलत सुनने के कारण ही उत्पन्न हुआ है, और इसकी उत्पत्ति थॉमस एडिसन ने ही की है, जबकि ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड वाली कहानी सिर्फ एक कहानी ही है, उसमें कोई सच नहीं है। हेलो शब्द का मतलब अगर बात की जाए तो हेलो की जो हिंदी मीनिंग है, हिंदी डिक्शनरी में हेलो शब्द का अर्थ है नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम या सलाम बताया गया। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम या सलाम इन शब्दों को अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी तरह अंग्रेजों में हेलो का प्रयोग किया जाता है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।